कश्मीर की गुलमर्ग खूबसूरत वादियाँ एक बार फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। जो तस्वीरें देख रहे हैं गोडला सर्विस की है, गोडला सर्विस एक बार फिर शुरू हो गई है, क्योंकि जो हिल स्टेशन है गुलमर्ग, इसी में गोडला में बैठकर लोग इस वादियाँ का, खूबसूरत वादियाँ का लोग लुत्फ़ उठाते हैं, मज़ा लेते हैं। और इससे कहीं कहीं जो पहाड़ों पर नज़दीकियाँ काफ़ी देखने को मिलता है। ये तस्वीरें देख रहे हैं गुलमर्ग का है और पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। गोडला सर्विस चलाने वाले, उनका कहना है कि लॉकडाउन के बाद खुला है, उन्हीं से सुनते हैं जो सर्विस चलाते हैं। आपको कितना नुकसान हुआ है ड्यू टू कोविड जो गंडोला बंद रहा? करीब करोड़ों में नुकसान हुआ है। हम तो सच कहेंगे कि मोर देन 30 करोड़ नुकसान हुआ है कोविड की वजह से। कितने टूरिस्ट आते थे पर ईयर? हमारा एवरेज समर में, समर जो एवरेज रहता, समर हमारा पीक रहता है, एटलीस्ट 40 लाख हमारी डेली एवरेज सेल रहती थी। और पिछले 6 महीने से हमारा मोर देन 6 मंथ्स बंद रहा है, तो आप इसका नुकसान का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना नुकसान हुआ है। कहते हैं कि आइंदा दिनों और रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, और हम कोविड गाइडलाइंस को लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करते हैं। हमारा 6 सीटर गंडोला है, हम इसमें 3 को अलाउ करते हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। जो केबिन है वो सैनिटाइज हो रहा है आफ्टर एवरी राइड, हम इसको प्रॉपरली सैनिटाइज कर रहे हैं, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है, जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो हो रही है। हाँ, मेरा नाम प्रमोद है, मैं मुंबई से आया हूँ। यहाँ श्रीनगर आने के बाद गुलमर्ग आने के लिए तो हर कोई चाहता है, मैं भी चाहता था, लेकिन अभी गंडोला शुरू हो गया तो यहाँ आने में बहुत मज़ा आ रहा है, हम आते रहेंगे। गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों को लुत्फ़ उठाने के लिए लोग अलग अलग इलाकों से पहुँच रहे हैं, कोई दिल्ली से, कोई बनारस से, कोई मुंबई से, कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से, अलग अलग इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो वादियां हैं खूबसूरत वादियां, उसका मज़ा कुछ अलग ही है। क्योंकि गोडला सर्विस भी शुरू हो गया है, इससे कहीं कहीं जो पर्यटक हैं उनको और मज़ा लेने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि गोडला सर्विस से का जो बैठ कर नज़ारा होता है वो अलग ही होता है। और पर्यटक जाकर मजा ले सकते हैं।